हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यूपी बीएड का जो एग्जामिनेशन हुआ था, सेकंड पेपर, उसका फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों, सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप लोग देख चुके होंगे। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे रीजनिंग सेक्शन का। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ, इस वाले सेक्शन में रीजनिंग तो आई थी, रीजनिंग के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड्स के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ हम रीजनिंग के क्वेश्चन सारे के सारे देख लेंगे। टीचिंग के एप्टीट्यूड के एक दो क्वेश्चन है उसमें मैंने डाल दिया है, और आप लोग को मैं बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दोस्तों 100% पता नहीं होते कि क्या आंसर होगा इसका। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं आज का क्वेश्चन। एक एक करके धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का नया वीडियो। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 134 है, 65 है, 112 है। दोस्तों, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इन तीनों को जोड़ने पर हमको क्या मिल जाता है, 303 मिलता है। इसी प्रकार इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, क्या मिल जाता है, फिर से 303 मिलता है। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 303 में से घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हम लोग को दोस्तों, 64 मिल जाएगा। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन था दोस्तों इसी प्रकार का। ये क्या था, ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करना था दोस्तों। 11 था, 11 में 10 ऐड करना था, 10 में 12 ऐड करना था, 12 में 13 ऐड करना था। टोटल कितना हो गया, 46 हो गया। उसी प्रकार ऊपर से फिर से नीचे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 46। फिर से ऊपर से नीचे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 46। तो इस वाले में पूछा है तो 46 में से इन तीनों को जोड़कर कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है दोस्तों, ट्रीटमेंट होता है। तो कौन सा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग होगा, तो न्यायालय में क्या होता है, न्याय होता है, ठीक है। तो कोर्ट में क्या हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीरीज है दोस्तों, 545, 405, तो नेक्स्ट क्या होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो 5 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 45 आएगा। 45 में फिर अगेन 9 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 405 आएगा। 405 में अगेन 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3645। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शंस दे दिए हैं इसके, आप लोग मैच करा लीजिएगा आपका क्या आंसर आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए रीजनिंग सेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4, 12, 48 और क्वेश्चन मार्क 1140। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, JKMPT ये क्वेश्चन आया हुआ था और नेक्स्ट पूछा हुआ था। तो सीधे सीधे आप लोग देख सकते हैं कि जे का होता है 10 होता है, के का होता है 11, एम का 13, पी का 16, टी का 20 और नेक्स्ट क्या होगा। पहले दोस्तों क्या हुआ, 10 से बढ़ा 1, फिर इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें 3 बढ़ा, फिर इसमें 4 बढ़ा, फिर इसमें 5 बढ़ा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलिंग का कोड ये बहुत दिया गया है, तो लाइफ का कोड पूछ रहा है। देखिए कितना आसान सवाल है, डायरेक्ट कोड को कॉपी करना है दोस्तों, इसे कोई लॉजिकल तो बन नहीं रहा है, इलॉजिकल टाइप का है तो डायरेक्ट कॉपी कर देंगे। एफ का 3 है, ई का 9 है, एल का 7 है, आई का 2 है। तो लाइफ में भी इसी को पुट कर देंगे, 7239। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7239। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं था। इसमें दोस्तों ऑड वन ऑड का क्वेश्चन आया था कि कौन सा विषम है। तो ये दोनों तीनों क्या हैं दोस्तों, ये तीनों ये ग्रह हैं और ये चंद्रमा क्या है, उपग्रह, ये सेटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 है, 7 है, 28 है, 63 है, 126 है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, काफ़ी लोग इसमें परेशान थे। इसको देखिए क्या करना था, इसमें 1 का क्यूब करके 1 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, पहले 1 फर्स्ट वाले 1 का क्यूब करके 1 ऐड किया तो 2 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या किया, 2 का क्यूब करके 1 डिडक्ट किया तो 7 आया। 3 का क्यूब करके 1 किया तो कितना आया, 28। 4 का क्यूब करके 1 डिडक्ट किया तो क्या हुआ, 63। 5 का क्यूब करके 1 ऐड किया तो 126। तो 6 का क्यूब करके 1 माइनस करिएगा तो 216 में से गया 215, आंसर क्या हो जाएगा, 215। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। दोस्तों देख लीजिए, डी ई डी ई सब में से मैं एस देख लीजिए, डी देख लीजिए और इसमें देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, आर एस टी आई, तो सबसे बाद में कौन आएगा, टी सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों, टी का 20 होता है ना, और ये सब का उससे पहले आ जाएगा। तो लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है QPO SOQ, ये सब सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहले देखिए 17 है, 17 से क्या हुआ 19 हुआ, 19 से क्या हुआ 21 हुआ, 21 क्या हुआ 23 हुआ, 23 क्या हुआ 25। तो दो दो की बढ़ोतरी हो रही, तो सीधा एक ही ऑप्शन है दो की बढ़ाई, यू में दो ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा, और 25 को क्या होता है वाई होता है। एक ही क्वेश्चन इसका एक ही ऑप्शन था वाई से स्टार्ट करने वाला, तो यही आंसर हो गया। आगे भी आप लोग देख सकते हैं, ये आगे भी दो दो की सीरीज बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा डिफरेंट है दोस्तों, इसमें इसमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये तीनों 17, 19 और 21 से क्या हैं, 17, 19, 21, 23, ये सम विषम का कॉन्सेप्ट दोस्तों लग रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि ये 17 क्या है अभाज्य है, 19 क्या है अभाज्य है, 23 क्या है अभाज्य है, और 21 क्या है भाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे छोटा क्या होता है मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो से बड़ा क्या होता है कैट होता है, कैट से बड़ा क्या होता है टाइगर होता है, टाइगर से ज़्यादा बड़ा क्या होता है व्हेल होता है, व्हेल से ज़्यादा एलिफेंट, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी पूछा कौन सा लास्ट में आएगा, देख लीजिए PU, तो ई तो आएगा ही नहीं, इसका आर भी से ई नहीं आएगा, तो लास्ट में सबसे कौन सा आता है यू आता है, तो PU हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग इसमें फंसे हुए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे लोग, मैक्सिमम लोग का क्वेश्चन गलत हुआ है, ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए पहले में क्या हुआ 2 बढ़ा, फिर इसमें 3 बढ़ा, फिर यहाँ से 4 बढ़ा, यहाँ से 5 बढ़ा, तो यहाँ से कितना बढ़ना चाहिए था, और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 5 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 26, 5, 31 ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, आप लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 और 1/8 में क्या रिलेशन है दोस्तों, ये देखिए ये इसका आधा हो रहा है सीधे सीधे, वो इसका आधा हो रहा है, तो इसको भी इसका आधा कर दीजिए, तो जब इसको हाफ़ करेंगे 2/3 का हाफ कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 25 और 35 = 75, ये देखिए 2 और 5, 2 और 5 को जोड़ दिया कितना आ गया 7 आ गया, 3 और 5 को जोड़ दिया कितना हो गया 8 आ गया, तो उसी तरीके से 5 और 2 को ऐड कर दिया तो 7 आ गया, और 5 4 को ऐड कर दिया तो 9 आ गया, इसका आंसर 79 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योद्धा क्या दोस्तों चलाता है तलवार चलाता है, बढ़ई का क्या औजार होता है आरी होती है, किसान का औजार क्या होता है हल होता है, तो लेखक का क्या हो जाएगा कलम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ये इसका पति है, मतलब ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया, तो ये हो गई लाइन, और कह रहा है ई ए का पिता है, तो ए का पिता कौन हो गया ई हो गया, तो ई और डी में क्या हो रिलेशन हो गया, ये इसका पिता है तो इसकी क्या हो गई बहू हो गई या पुत्र वधू। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा पुत्र वधू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या हुआ है 24 का दूना करके उसको उल्टा कर दिया गया है, 42 को 84, और सब में देखिए यही किया गया है, तो लेकिन दोस्तों सब में किया गया है तो ये क्या करता है, तो 23 को देखिए 24 क्या है, ये सारे के सारे कुछ कुछ न किसी से कटने वाले अंक हैं, मतलब ये भाज्य संख्याएँ हैं, लेकिन 23 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य है, मतलब ये प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लड़के ईमानदार हैं दोस्तों, सारे के सारे लड़के क्या हैं ईमानदार हैं, और सचिन क्या है लड़का है दोस्तों, जो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हम लोग केवल कुछ का कॉन्सेप्ट सही होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या बोला है सभी लड़के, तो ये तो गलत है, और ये सचिन एक लड़का है, सचिन एक लड़का, ये सही है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, GIKJHJLMCU, देखिए यहाँ पे एक एक बढ़ रहा है, जी से एच गया एक, आई से जे गया एक, के से एल गया 1, 1, तो यहाँ भी हम लोग 1, 1 ऐड कर देते हैं, इसमें 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा N, O में 1 ऐड किया तो P, इसमें ऐड किया तो R, NPR, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा डिफरेंट है, देखिए सारे के सारे जो ऑप्शन है इसमें सारे सारे जिसमें जिसमें आपको लास्ट में 5 दिख रहा है, सारे के सारे मतलब 5 से कटने वाले हैं, ये ऐसी संख्या जो 5 से नहीं कटेगी, तो इसका ऑप्शन ये हो गया दोस्तों। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल था, कितने बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, तो इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों। दरवाजे का क्या होगा, दरवाज़ा आप लोग देखिए बोल्ट तो होगा नहीं, क्योंकि अलमारी तो जब भी घर पर बनाई जाती है तो
सीमेंटेड भी तो होती है, तो इसमें जो बोल्ड वो कप ज़रूरी नहीं है अलमारी में कपड़ा ही रखा जाए, बुक्स भी रख सकते हैं, ये तो दोनों तो हो नहीं सकता। अब दरवाज़ा और सेल्फ में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ थे, देखिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ थे। दोस्तों जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि कभी कभी आप रैक बनवाते हैं तो उसको भी तो हम लोग अलमारी ही कहते हैं, जिसमें बुक्स आदि रखते हैं या किसी भी जनरल काम के लिए हम लोग बनवाते हैं, तो उसमें दरवाज़ा कहाँ लगा होता है। तो सेल्फ़ तो हर एक चीज़ का 100% रहेगा, लेकिन दरवाज़ा में काफ़ी संशय है दोस्तों। अब इसका आंसर कि आने पर ही पता चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो सेल्फ़ होना चाहिए। तो आप लोग क्या इसका कमेंट करके बताइएगा आपने क्या आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ जे यू एल, इसमें देखिए एफ से बी गया है, माइनस चार हो रहा है, यहाँ से यहाँ माइनस चार हुआ, जे से ओ माइनस चार माइनस प्लस पाँच हुआ, जे से ओ गया, यू से क्यू गया तो क्या हुआ माइनस चार हो गया, एल से क्यू गया तो प्लस पाँच हो गया। इसी प्रकार इसे यहाँ भी कर देते हैं, एल से एच गया तो क्या हो गया माइनस चार, एच से एम गया तो प्लस पाँच, आर से एन गया तो माइनस चार, क्यू से सी गया तो प्लस पाँच। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले एट से जेड तक के सारे कोडिंग याद करना होगा, ए का वन होता है, बी का टू होता है, सी का थ्री होता है, इसी प्रकार जेड तक का याद रखना होगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया एच एम एन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में दोस्तों क्या हमेशा होता है, ये भी को दोस्त काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान थे, काफ़ी परेशान हो गए थे कि इसके आंसर क्या होगा। देखिए दोस्त, पैड और दस्ताने के बिना हम लोग मैच खेल सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम लोग याद करिए, अगर छोटे बच्चे थे तो कहाँ पैड मिलती थी और कहाँ दस्ताने होते थे, और जब हम लोग गलियों में या गांव में मैच खेला करते थे तो कौन सी पिच की ज़रूरत होती, कहीं भी थोड़ा सा जगह मिल जाता तो हम लोग खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके पास बैट होना तो 100% ज़रूरी है, विदाउट बैट आप क्रिकेट खेलेंगे कैसे, या तो बैट होगा या तो बॉल होगा, तो बॉल तो दिया नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100% बैट होगा, बैट का मतलब बल्ला। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए 2, 9, 16, 23, 30, तो सब में 7-7 की इंक्रीजमेंट हो रहा है, देखिए 7, 7, 7 सब में 7-7 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 7 बढ़ा दीजिएगा, 30 और 7, 37 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जेड से एक्स हुआ माइनस दो, एक्स से माइनस दो हुआ वाई, वाई से माइनस टू हुआ क्यू, क्यू से माइनस टू हुआ एल, एल से माइनस टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये आई था, आई से माइनस टू कर देंगे तो एफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक आप लोग कंफर्म हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये सीरीज पूछी हुई है, देखिए ए बी सी बी, फिर इसमें ए, पहले इसको हम लोग आसानी से करने के लिए 3-3 में बांट देते हैं दोस्तों, काफ़ी आसान हो जाती है सीरीज ऐसे बांटने से। अब देखिए इसमें पुट करेंगे डायरेक्ट आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, ए बी सी बी सी ए, फिर सी ए बी और ए बी, ये देखिए दोस्तों सीक्वेंस बैठ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी डबल ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 10+8 को 8-8-4 लिखा है, मतलब 10 में 8 का मल्टीप्लाई किया गया 88 लिखा हुआ है, और ये 4 को उसने अपने मन से रख दिया है। उसी के साथ देखिए 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 70 आया है, और 70 के साथ 4 को अपने मन से रख दिया है इसने। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करके 78 लिखा है और 4 को अपने आप से रख दिया है, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 84, और 84 के बाद 8 अपने आप से रख दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 844, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम सिमिलर क्वेश्चन था, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया था, देखिए दोस्तों 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 4 अपने से रख दिया, 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 74 अपने मन से रख दिया, 4 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 84 और 6 अपने मन से रख दिया, तो इसी प्रकार 16 में 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 और ये 4 अपने मन से रख दिया, तो इसका आंसर हो गया 112 एंड 4, ठीक है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हम लोग पुट कर जाते हैं, पहले इसको आप लोग अलग अलग करिए, सी सी ए बी बी ए, फिर यहाँ
ये लगा देते हैं हम लोग सी ए बी बी ए, फिर यहाँ पे डालते हैं सी, फिर सी ए बी बी सी ए बी बी ए सी ए बी बी ए, देखिए सी ऐसे दोस्तों ये ऐसे बैठेगा सी ए बी सी ए बी ए सी सी ए बी बी सी, ठीक है ए सी बी सी डाल दीजिए यहाँ पे बी। अब आप लोग बैठा लीजिए, देखिए सी ए बी बी ए फिर ए सी डॉट छोड़ दिया, फिर सी ए बी बी ए फिर ए सी छोड़ दिया सी ए बी बी ए, ठीक है ए सी ए सी लास्ट में लगाते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बैठा लीजिएगा, काफ़ी इजी सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ओ बी डी आर क्यू ए टी एस, और नेक्स्ट क्या पूछा है सिक्वेंस पूछा हुआ है। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्लस वन हुआ, फिर यहाँ से माइनस वन हुआ, फिर प्लस वन हुआ, माइनस वन हुआ, तो नेक्स्ट भी सेम होगा प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन कर दीजिए, क्या हो जाएगा एस जेड बी क्यू बी वी आंसर हो जाएगा। पूछा हुआ है कॉर्नर को ये लिखा जाता है। देखिए कॉर्नर का सी थ्री है, इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें प्लस चार ऐड हो रहा है, ओ में क्या ऐड हो रहा है फिर चार, ओ से एस पहुँचा गया, आर से वी गया फिर चार ऐड हो रहा है, एन से फिर चार ऐड किया आर पहुँच गए, ई से चार ऐड किया आई पहुँच गए, आर से चार ऐड किया वी, तो इसमें सब में चार चार ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी आई वी एक्स वी आर। आप लोग लगा लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी आसान सवाल आए थे। एक क्वेश्चन आया हुआ था एज रिलेशन का, एज रिलेशन का जो क्वेश्चन था दोस्तों वो किसी स्टूडेंट ने भेजा नहीं है बट उसका आंसर 12 आएगा, आप लोग का आंसर याद होगा, आप लोग मैच करा लिए। एक आईपी एड्रेस का सवाल आया था तो इसका भी कोई आंसर नहीं मिला था तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, 6 से 8 क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन मिल नहीं पाए हैं, काफ़ी उसमें लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे पूछा हुआ था कि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो किस बच्चों से पूछेंगे, आगे वालों से पीछे वालों से बीच वालों से, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, ये किसका सिद्धांत क्या है, ये सब सारे क्वेश्चन आए थे, संवेग का क्या होता है, यही सब क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल आप ये बताइए कि रीजनिंग में आपने कितने क्वेश्चन सही किए इन सारे 40 क्वेश्चन में से। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है बाय।